Introducing Speechula, the most natural sounding text-to-speech software. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30 AI voices from Speechula. You listen to this video until now, and you probably couldn't tell I'm not a real human voice. That's because I understand exactly what each phrase is saying, and I know how to put inflection to my voice, just like a real human would do. I was programmed that way that my neurolinguistic engine would analyze the phrases. Now,
चलिए अब मेरे ख्याल से सही हो गया होगा। ठीक है, चलो सही हो गया ना। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी नेट की शुरू से ही सुबह से इशू आ रहा था और अभी थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो गई थी, तो चलो क्लास लेट हो गई है लेकिन आज शुरुआत कर देते हैं। ओके, देखो आज से हमें स्टार्ट करना था ईएमआई, ठीक है। इसके पहले एक रिकॉर्डेड क्लास अपन ने प्ले की थी और चूँकि मुझे लगा कि लाइव क्लास ही ले ली जाए तो शुरुआत हम यहाँ से ईएमआई की स्टार्ट कर देते हैं। क्रैश कोर्स की जहाँ तक बात है, क्रैश कोर्स आपका कल से स्टार्ट हो रहा है शाम को 5 बजे, ठीक है। और उसका टाइम रहेगा मंगल गुरु शनि TTS में शाम को 5 बजे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक, सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी इसकी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है। ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले अपने को ज़रूरत पड़ने वाली है ईएमआई की, ईएमआई में मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। सुनो, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पढ़ा था ना बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मेरे पास ये एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, एरिया है, और एरिया का ये नॉर्मल हुआ। एरिया क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो ये एरिया की डायरेक्शन होती है हमेशा, ये जो एरिया होता है इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर। और सिंपल सा अगर अपन को लॉ लगाना हो इसमें कैसे हम इसका एरिया की डायरेक्शन देखेंगे, तो बड़ा सिंपल तरीका है। आप अगर ऑब्जर्वर यहाँ हैं, ठीक है, तो इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी ओर ये डायरेक्शन होगी एरिया की, एक सिंपल तरीका है, ठीक है। बाकी वेक्टर से निकालते हैं कि अगर ये साइड है ये साइड है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो आप देखेंगे ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा, तो ये डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन होती। सबसे सिंपल तरीका मैं बायो वाले बच्चे को बता रहा हूँ कि आप तो जहाँ से देख रहे हो, ठीक है, वहीं जैसे मान लीजिए फ्लोर को देख रहे हैं तो फ्लोर का एक छोटा सा एरिया होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? आप जहाँ से देख रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। मान लीजिए आप ऊपर जो सीलिंग है उसको देख रहे हैं, छत को देख रहे हैं, तो वो भी एक एरिया ही तो है सब, और उसका एक छोटा सा एरिया अपन ने ले लिया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन एंड डाउनवर्ड। इस बोर्ड की डायरेक्शन इधर से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वर हम हैं, तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ये डायरेक्शन होती है एरिया की। अच्छा, अब मान लीजिए इस एरिया से कुछ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से निकल रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बी। अब ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं ये इस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है, इस एरिया का जो नॉर्मल है डी है उससे कुछ एंगल बनाती हुई निकल रही है, ठीक है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ी थी कि कोई सरफेस है उसके नॉर्मली उसके परपेंडिकुलर जो लाइन्स निकलती हैं, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन्स निकलती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती हैं, उन्हीं के नंबर को बोलते हैं क्या हम?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज क्रैश कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स लगेगा कल से शाम को 5 बजे, ठीक है, मंगल गुरु शनि शाम को 5 बजे, और मॉर्निंग का टाइम बता देंगे। तो जिनको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो कल से ज्वाइन करें, आज ये रेगुलर बैच का एक क्लास है। यस, तो यहाँ पर ये आपके पास हो गया। अब एक्चुअली फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई भी सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उन्हीं के नंबर्स को काउंट कर लें तो उसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, वो तो इस एरिया के नॉर्मल नहीं है, इसके नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही है, तो फिर इस बी वेक्टर को आप तोड़ लो, ये थीटा वाला कंपोनेंट कर लो, क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर मतलब डी ए, ये जो बी कॉस थीटा है इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट होगा, डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, इस बी का एक कंपोनेंट ऊपर हुआ बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये हुआ, ये होता है बी साइन थीटा। आपने वेक्टर में इसको तोड़ना सीखा होगा, ठीक है, वेक्टर में तोड़ना सीखा है। अच्छा, अब इसमें से बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा में ये देखो कौन सा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, इस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो वो तो ओनली बी कॉस थीटा ही है, बी साइन थीटा तो इसके पैरेलल है, तो फ्लक्स की डेफिनेशन में बी साइन थीटा आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो किसी सरफेस के पैरेलल हो, उसी प्लेन में हो जिस प्लेन में वो एरिया है, तो एरिया का प्लेन और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्लेन सेम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लाइंस उसके अंदर कट करती हुई जाएंगी, तो फ्लक्स बनेगा नहीं उस फ्लक्स उस एरिया से एसोसिएटेड। तो एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स तभी होगा जब लाइंस उसके अंदर एंटर करें, ठीक है, और फ्लक्स की डेफिनेशन में परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो केवल बी कॉस थीटा बचा, तो ये जो बी कॉस थीटा है और एरिया इनका प्रोडक्ट कर दिया जाए तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी, फाइव बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो कितना होता है, हम कह सकते हैं डी ए को अगर बड़ा एरिया है तो ए मान लें और बी मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको सिंपल लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, एक सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये जो फ्लक्स है ये तो स्केलर है, लेकिन बी और ये ए ये वेक्टर हैं तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और थीटा क्या होता है, थीटा ये जो बी है और एरिया का नॉर्मल है उसके बीच में एंगल है, ध्यान देना, थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड नॉर्मल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर के नॉर्मल और बी वेक्टर के बीच में एंगल है, ए जो एरिया है उसके प्लेन के बीच में नहीं है, तो यहां कह सकते हैं नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस एरिया ए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया के नॉर्मल और बी जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आप केवल इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, देखो अगर थीटा जीरो आ रहा है तो थीटा जीरो का मतलब क्या है, थीटा जीरो का मतलब है कि ये एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया और एरिया का नॉर्मल ये हो गया डी ए, और थीटा जीरो का मतलब है कि बी भी उसी डायरेक्शन में है और बी और एरिया के बीच में एंगल कितना है, जीरो, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है, तो उस केस में थीटा जीरो हो जाएगा और फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ए, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है, तो ये इस समय मैक्सिमम फ्लक्स होता है, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया के परपेंडिकुलर जब निकलती है ना तब उस समय मैक्सिमम फ्लक्स होता है। ये बात क्लियर हुई, किसी एरिया के परपेंडिकुलर लाइंस जाएंगी तब जाकर के मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसी में थीटा अगर 90 हो, थीटा 90 है तो इसका मतलब क्या कंडीशन बनेगी, ये सिंपल एक एरिया है, एरिया का नॉर्मल ये हो गया, ठीक है, इसको मैंने डी ए मान लिया,
अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये हैं बी, तभी तो डीए और ए के बीच, डीए और बी के बीच में एंगल 90 बन रहा है। तो जब थीटा 90 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि लाइंस जो प्लेन है ना उसके पैरेलल हैं, लाइंस प्लेन के पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है, लाइन प्लेन के पैरेलल हैं। तो इस केस में यहाँ पर बी डॉट डी आ गया, और इस समय क्या होगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप थीटा की जगह यहाँ पर 90 लिख दें तो कॉस 90 जीरो होता है। अच्छा, तो ये दो याद रख लेना। अगर 180 डिग्री होगा ना, तो 180 डिग्री का मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर नहीं है, ऊपर से नीचे यानी अंदर की तरफ जा रही है। ये कॉस 180 क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर से नीचे यानी प्लेन के अंदर एंटर कर रही हैं, और थीटा जीरो का मतलब प्लेन से बाहर निकल रही है, इतना है, ठीक है ना। ओके, तो ये कहानी यहाँ पर हो गई बच्चों फ्लक्स की। चलिए, आपने नोट कर लिया हो तो यहाँ पर आगे बढ़ें, फिर इतना तो याद है ना। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से नोट कर लो, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यस, मिटा दूं, गुड। अब देखिए इसी बात को, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था बच्चों फैराडे ने। किसने दिया था, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था, और ईएमआई की स्टार्टिंग ही फैराडे से होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और अभी मैंने सारा कुछ बता ही दिया, मेन फार्मूला कि फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है। सो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इन्हीं को तो हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी सरफेस एरिया के नॉर्मली जो लाइंस पास होती हैं उन्हीं नंबर्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये मेरे पास एक एरिया है और इसके परपेंडिकुलर ये कुछ लाइंस पास हो रही हैं, और ये लाइंस कौन सी हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसी को कहते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसी को कहते थे, अगर ये बी की जगह क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाए तो, ठीक है ना, यही कहते थे। ओके गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, थीटा इज द एंगल विद नॉर्मल टू द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब देखिए ये थोड़ा सा फील आ जाएगा, ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली ये लाइन दिख रही है, और ये एरिया जो है ना इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये सोचो कि ये लाइंस इधर जा रही हैं और बीच में एक मैंने एक ऐसा कागज फंसा दू पेपर फंसा दिया है परपेंडिकुलर, ये वाला, तो आप देख रहे हैं इस पेपर के परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है, तो इसका मतलब यही तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम बनाएंगी, तो यही मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन में आएंगी। तो इसलिए फाई इक्वल टू बी ए, इस समय फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना, ये अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ध्यान रखना। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, इनके परपेंडिकुलर ये एरिया बन रहा है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर लाइंस निकलनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये फ्लक्स मैक्सिमम है। अच्छा, मिनिमम कब होगा, देखो ये लाइंस जा रही थी इसी सरफेस को, हम बिल्कुल ऐसे पैरेलल कर दें, इन लाइन के ही प्लेन में कर दें, तो आप देख पा रहे हो कि ये लाइंस और जो एरिया है, ये सरफेस एरिया है, वो एक ही प्लेन में आ गया,
एक ही प्लेन में आ गया तो इसका नॉर्मल तो ये रहा, इस प्लेन का नॉर्मल, और इस समय इस प्लेन का नॉर्मल इधर था, तो इस प्लेन का नॉर्मल और बी के बीच में एंगल जीरो बन रहा था। अब इस प्लेन का नॉर्मल ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है तो दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है, तो यही तो एंगल होता है। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स हम किसी भी सरफेस के लिए डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे कैसे भी सरफेस के लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है वेबर, क्या होती है वेबर, या ऐसी को कहते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, तो इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, मैक्सवेल, ठीक है, और एक मैक्सवेल और एक वेबर में रिलेशन होता है, वेबर बड़ी यूनिट है, तो वन वेबर इक्वल टू 10^8 कितना, 8 मैक्सवेल, वन वेबर इक्वल टू क्या होता है 10^8 मैक्सवेल, बिल्कुल सही शिवानी, तो वन वेबर इक्वल टू क्या होता है 10^8 मैक्सवेल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर एक ही बात है, तो वन वेबर इक्वल टू क्या होता है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको हम टेस्ला मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान देना है, छोटी मोटी बातें याद रख लो, और इसका डाइमेंशनल फॉर्मूला होता है ML(T-2)A-1, या ऐसे ऐसे याद रखेंगे, ML(T-2) किसका होता है, ये होता है एरिया का, किसका होता है एरिया का, और A-1 यानी करंट, करंट की पावर -1, तो सॉरी ML(T-2) ये होता है आपका वर्क का, और वर्क में केवल A-1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब एरिया ये करंट की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। तो इसको याद किया जा सकता है, ML निकालोगे तो आ जाएगा, B का निकाल लो, A का निकाल लो, या ऐसे याद कर लो आप, तो इसको देखो ये किसका है, ये तो बड़ा कॉमन सा है, वर्क का है ML(T-2) वर्क, और A किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को, तो करंट I-1, तो वर्क के डाइमेंशनल फार्मूले में आपको करंट इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, बस ये छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स का डाइमेंशनल फार्मूला हुआ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, फैराडेज़ लॉ ऑफ कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, फैराडेज़ लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे लॉ क्या होता है इसको देखें। अब जित यहाँ से अब EMI की स्टार्टिंग होती है, EMI की स्टार्टिंग का मतलब है, सुन लीजिए थोड़ा सा मैं कहानी सुना दूँ आपको। फैराडे जो थे ना अपने यहाँ पर, अब रेगुलर शुरुआत के क्लासेस में तो जब समय होता है तो बड़ी लंबी कहानी होती है इसकी, अभी शॉर्ट में सुना देता हूँ। फैराडे के बारे में आपने जाना पहचाना होगा, पढ़ा होगा, फैराडे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। एक बुक बाइंडिंग की दुकान पर काम करते थे वो, जैसे अपने इंडिया में 7वीं-8वीं क्लास होती है ना, ऐसे इंग्लैंड में समझ लो जो ग्रेड सिस्टम होता है, ग्रेडिंग सिस्टम, और उसी स्टैंडर्ड की पढ़ाई उन्होंने करी थी, तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स वगैरह उनको नहीं आता था, डिफरेंशियल कैलकुलस ये तो बहुत ऊपर की बात थी, लेकिन बार बार पढ़ते रहने से जो बुक बाइंडिंग उनके पास आती थी बुक की बाइंडिंग होने के लिए, तो उनको बार बार पढ़ते रहने से उनका धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, और धीरे धीरे इतना ज्ञान बढ़ता गया कि वो फिर जो भी नई किताब आती थी उसमें कुछ गलतियां भी निकालने लगे कि इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है। तो एक बार हम्फी, आपने केमिस्ट्री में साइंटिस्ट पढ़े होंगे, हम्फी एक साइंटिस्ट थे, उनकी एक बुक बाइंड होने के लिए आई और वो इलेक्ट्रिक करंट पर काम कर रही थी, तो उसको उन्होंने पढ़ा, और पढ़ करके उन्होंने उनको लगा कि बीच बीच में कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन इस किताब में लिखा है, तो उन्होंने वहाँ पर छोटी छोटी चिटें चिपका दी कागज़ की कि इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो बाद में वो बुक
बाइंड होकर के हम्फी साहब के पास पहुंच गई तो उन्होंने वो चिट देखी तो उन्होंने बड़े इम्प्रेस हुए और उनको बुलाया फैराडे को। तो उन्होंने क्या किया, जो बुक बाइंडिंग की दुकान पे जो काम कर रहा था लड़का उसको सीधे अपनी लैब का इंचार्ज बना दिया। तो अब वो उस पूरे हम्फी की जो लैब थी उसके इंचार्ज हो गए। वहाँ फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर आगे तो कहानी बहुत लंबी है कि उन्होंने इतने आज जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जनरेटर की बात करते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। तो फैराडे ने फिजिक्स में बहुत काम किया है। आप केमिस्ट्री में भी देखते हो ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो उन्हीं के देन है। ये पूरी EMI उन्हीं की देन है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं फैराडेज लॉ, यानी फैराडे पहले एक्सपेरिमेंट करते थे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर कुछ उससे अगर कोई फार्मूला बन सकता है। तो बहुत सारे असिस्टेंट उन्होंने अपॉइंट कर रखे थे जो मैथमेटिक्स अच्छा जानते थे, उनकी हेल्प से कुछ फार्मूले बनाते थे। तो चलिए फैराडे का, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। फैराडे ने क्या किया, उनको पहले से पता था कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना पाएं। मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके क्या हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं? तो इस पर वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेटली इस तरह से NS एक बार मैग्नेट मान लेते हैं, और एक कॉइल ले ली वायर की, और इस वायर की कॉइल में उन्होंने क्या किया कि एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया यहाँ। अब अगर इस वायर में करंट बन जाएगी तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, करंट नहीं बनी तो नहीं आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ऐसे किया कि मान लीजिए NS एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है इस तरह से, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ठीक है, N से S की तरफ जाती हुई। तो उन्होंने इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर रख दिया और देखा क्या डिफ्लेक्शन हुआ, नहीं हुआ। बहुत सारे प्रयोग किए, ये जो है इसका साइज बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, शेप चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया, लेकिन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक दिन वो जो है इन दोनों को दूर हटा रहे थे, तो दूर हटाते समय इसमें डिफ्लेक्शन आया, फिर पास में लाए तो डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड और कॉयल में मोशन का कुछ चक्कर है। अगर आप रेस्ट में रखते हैं तो करंट नहीं बनती, लेकिन दोनों को मोशन में लाते हैं तो करंट बनती है। तो इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो ये नतीजे पर पहुंचे, फाइनल जो लॉ बनाया वो फाइनल लॉ ये था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, अब इसमें यहां लिख देता हूं मैं आपको, पहले तो बना देता हूं एक। तो फाइनल लॉ ये था कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चेंज होती है, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर फील्ड चेंज हो रही है तो, और अगर वो फील्ड किसी कॉइल से एसोसिएटेड है तो हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो उस कॉइल से परपेंडिकुलर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चेंज वर्ड पर ध्यान दीजिए, चेंज होता है, तब एक EMF यानी इंड्यूस्ड EMF आता है। तब उस कॉइल के अंदर दो पॉइंट के बीच में EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। इसी को हम फैराडे फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो ये सीधे सीधे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। उन्होंने एक कॉइल और मैग्नेट को इस तरह से मूव कराया एक दूसरे की तरफ, तो देखो रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। अच्छा, दोनों को मूव कराया एक ही स्पीड से इधर और इधर, तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से इधर जाएं, सेम स्पीड से इधर आएं, तो उन दोनों के बीच में
जो जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एसोसिएटेड होंगी कॉइल से वो हमेशा उतनी बनी रहेंगी, लेकिन डिस्टेंस कम ज़्यादा करने से, पास में लाने से, दूर ले जाने से, या किसी एंगल से उनको मूव कराने से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में चेंज आता है। कब? उस कॉइल से एसोसिएटेड, पहले कॉइल से कम लाइन एंटर कर रही हैं तो हो सकता है ज़्यादा करने लगें, पहले ज़्यादा कर रही हैं तो कम एंटर करने लगें। तो यानी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो चेंज के कारण ही ईएमएफ डेवलप होता है। फिर ये तो पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ फैराडे कहते हैं कि आखिर कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो दूसरा लॉ फिर ये कहता है कि ये जो ईएमएफ आता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की रेट के, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को बोलते हैं डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है, तो ईएमएफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा पॉजिटिव एंड बनेगा, कौन सा नेगेटिव, क्योंकि ईएमएफ दो पॉइंट के बीच में बनता है। ये तार है मान लो, तो तार के दो पॉइंट के बीच में ईएमएफ बनेगा। ठीक है, तो ईएमएफ में एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, तो कौन सा पॉजिटिव बनेगा, कौन सा नेगेटिव बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि इसमें रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स किस तरह से हो रहा है, मतलब फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है या फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है और उसका साइन आता है माइनस। तो माइनस और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ वन ले लेते हैं, माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो ये फॉर्मूला बन गया, ई इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। इसमें जो माइनस साइन आया ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब प्लस माइनस होना, डायरेक्शन ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, डायरेक्शन का मतलब कौन सा एंड पॉजिटिव बनेगा, कौन सा नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा कि ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होती है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ये जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है इसके अपोजिट होती है, इसको लेंज लॉ भी कहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज जस्ट अपोजिट टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज जस्ट अपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। डायरेक्शन का मतलब ये कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा एंड नेगेटिव बनेगा इससे है, इससे नहीं है कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये कोई डायरेक्शन से नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, ओके। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए फाइनली। तो हमने अभी क्या देखा कि E इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, ठीक है, और ये EMF की डायरेक्शन डी फाई ओवर डी टी के अपोजिट होगी। और क्या पता बताया कि ये EMF तभी आएगा, EMF तभी इंड्यूस्ड होगा, कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। अगर चेंज हो ही नहीं रहा तो फिर ईएमएफ नहीं बनेगा, ईएमआई आएगा ही नहीं, आगे हम क्वेश्चन में करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ये डी फाई ओवर डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, इसी के तो बराबर ई है, और माइनस साइन इसके अपोजिशन को शो कर रहा है, ठीक है। चलो अगला देखें पॉइंट, फैराडे लॉ वही रिटन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द वायर लूप, अभी हमने देखा उसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, ई इक्वल टू, इसको ई से डिनोट कर सकते हैं, डी फाई अपॉन डी टी, फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट अपोजिज
द चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आगे। ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, ये हमने देख लिया। अगर मान लीजिए फ्लक्स में चेंज हो ही नहीं रहा, इफ नो चेंज इन फ्लक्स, अ कॉन्स्टेंट फ्लक्स है, फ्लक्स कॉन्स्टेंट है, फ्लक्स अगर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ही नहीं, डज नॉट प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्लक्स अगर कॉन्स्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा, अभी अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता क्या है, बी ए कॉस थीटा, यही पढ़ा है हमने। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में हमें चेंज कराना है तभी तो कांस्टेंट तो ईएमएफ बनाएगा ही नहीं, लेकिन हमें तो ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ निकालने के लिए आपको इस फ्लक्स में चेंज चाहिए, ध्यान देना, इस फ्लक्स में चेंज चाहिए। फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पर, ए पर और थीटा पर। तो मतलब तीन वेरिएबल हैं, बी, एरिया और थीटा, कॉस थीटा। फ्लक्स में चेंज तभी हो सकता है जब या तो बी चेंज हो जाए और बाकी के ये दोनों कांस्टेंट रहें, या ए चेंज हो जाए बाकी के दोनों कांस्टेंट रहें, या बी और ए दोनों कांस्टेंट रहें लेकिन थीटा चेंज हो जाए, तब भी फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें फ्लक्स में चेंज करना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा। तो ध्यान देना, फ्लक्स में चेंज केवल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से नहीं आता, क्योंकि फ्लक्स अकेली मैग्नेटिक फील्ड के बराबर थोड़ी ना है, फ्लक्स है बी ए कॉस थीटा, यानी या तो बी में चेंज करो बाकी को कांस्टेंट रखो, या एरिया में चेंज करो बी और कॉस थीटा कांस्टेंट रखो, या मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, लेकिन एंगल में चेंज करो, मतलब उस कॉइल को घुमाओ तो एंगल चेंज होगा। तो तीन तरीके से फ्लक्स में चेंज आता है, या इनमें से किसी एक को कांस्टेंट रख के दो को चेंज करो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करो एरिया भी चेंज करो, या कभी कभी तीनों को चेंज कर दो, ठीक है, तो फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। व्हेन बी अलोन इज चेंजिंग, केवल बी चेंज हो रहा है बस, और ए और कॉस थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, बता सकते हैं क्या बच्चे? यस, आप लोग जरा लिख के बताओ। ओके, चलिए करते हैं। व्हेन बी अलोन इज चेंजिंग, अकेला बी चेंज हो रहा है तब क्या होगा, अकेला बी चेंज हो रहा है तो उस केस में ईएमएफ आएगा, होता क्या है, डी फाई अपॉन डी टी। तो बोलो ईएमएफ को क्या लिखें, बी, बी चेंज हो रहा है तो केवल बी में चेंज करना है, ए कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, ए कॉस थीटा ऐसे ही रखो, इंटू बी, बी बी में चेंज, यानी डी बी ओवर डी टी, ये फॉर्मूला लगेगा, केवल बी में चेंज हो रहा है तो डी बी अपॉन डी टी। दूसरा लिखते जाना सभी, व्हेन ए अलोन चेंजिंग, अकेला ए चेंज हो रहा है तो ईएमएफ कितना आएगा, अकेला ए चेंज हो रहा है बस, ये ए चेंज हो रहा है, बी कॉस थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो जो चेंज नहीं हो रहा वो पहले लिख लो, बी कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा, डी ए ओवर डी टी, ठीक है। अच्छा तीसरा, व्हेन थीटा अलोन इज चेंजिंग, अकेला थीटा चेंज हो रहा है, इसका मतलब बी और ए चेंज हो ही नहीं रहा, जब बी और ए चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ कितना आएगा, बोलो, बी और ए चेंज नहीं हो रहा तो बी ए तो ऐसे कैसे, डी बाय डी टी और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, तो ई इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, बी ए कॉस थीटा, ये आ गया कि नहीं, ठीक है। तो ई इक्वल टू
ए कॉस थीटा डी बी ओवर डी टी इक्वल टू बी कॉस थीटा डी ए ओवर डी टी इक्वल टू बी ए डी वाई डी टी कॉस थीटा। अच्छा, इन तीनों को ध्यान रखना और ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ो। यस, नोट कर लिया सभी ने? चलो आगे देखते, नेक्स्ट मिटा दूं इसको। ओके, अब क्या होता है, आपने ईएमएफ देख लिया, ईएमएफ क्या था, डी फाई ओवर डी टी, यही था। लेकिन अगर ये लूप क्लोज है, क्लोज लूप है, जैसे अकेला, जैसे ये हमने वायर बनाया था और इधर से ये खुला होता तो इन दोनों के बीच में ईएमएफ डेवलप हो जाता, ठीक है, ईएमएफ कुछ ना कुछ आ जाता। लेकिन अगर इस वायर को हम ऐसे बंद कर दें, क्लोज कर दें, तो क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ईएमएफ का मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को वो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कराता, तो इस पूरे वायर में करंट फ्लो होने लगती। तो वो करंट कितनी होती, सिंपल करंट इक्वल टू होती क्या है, ई बाय आर होती है, अगर इस लूप का रेजिस्टेंस आर है तो। ई कितना आया देखो, माइनस, अब केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन नहीं चाहिए मुझे, तो डी फाई ओवर डी टी और नीचे क्या है आर, तो डी फाई अपॉन आर डी टी आ जाएगा, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। सबसे पहले मैं ई लिख लेता हूँ यहाँ, माइनस डी फाई ओवर डी टी आप भी लिखते चलें, और इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई डिवाइड बाय आर, ई बाय आर, ई क्या है, ईएमएफ, तो ईएमएफ डिवाइड बाय आर। ईएमएफ है कितना, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, यानी माइनस हटा दो, तो डी फाई अपॉन आर डी टी ये आ जाएगा। अब इंड्यूस्ड चार्ज को डी क्यू मान लो, डी क्यू इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, आई डी टी, पढ़ा है ना फार्मूला, ये आई की वैल्यू डाल दो, कितनी है, डी फाई अपॉन आर डी टी इंटू डी टी, देखो डी टी से डी टी कैंसिल करो, तो आपके पास देखेंगे कि डी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, डी फाई अपॉन आर, डी क्यू इक्वल टू आ गया डी फाई अपॉन आर, तो ये चार्ज बन गया। अब जरा इन तीनों में कुछ कुछ पॉइंट्स अपन देखते हैं, कुछ कुछ पॉइंट क्या देखते हैं, कि ये जो ईएमएफ है इसके बारे में सोचते हैं, करंट के बारे में सोचते हैं और चार्ज के बारे में सोचते हैं। देखना, ईएमएफ ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यहां लिख देता हूं एक एक करके। ईएमएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, डीटी, अगर चेंज इन फ्लक्स सभी में कांस्टेंट मान लें तो। इसका मतलब टाइम अगर कम होगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। टाइम कम होने का मतलब क्या है, कि जो फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल से एसोसिएटेड है वो चेंज तो हो रही है लेकिन बहुत फास्ट चेंज हो रही है। कैसे हो सकती है, मैग्नेट और कॉइल को बहुत तेजी से एक दूसरे के पास लाओ, दूर रह जाओ, बहुत फास्ट लाओ, तो उस केस में ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये टाइम पे डिपेंड करता है, ध्यान देना। करेंट डी फाई कॉन्स्टेंट है, दूसरा देखो, करेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर हो रहा है और डी टी हो रहा है, मतलब करंट फास्ट चेंज पे तो डिपेंड करती है लेकिन साथ साथ करंट रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस किसका, वो कॉइल का रेजिस्टेंस, उस बात पे भी डिपेंड करती है।
तीसरा जो चार्ज है डी क्यू, आप देखो इसमें, इसमें केवल ये चार्ज रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसमें टाइम कट गया डी टी पे, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर हम किसी कॉइल को और मैग्नेट को बहुत तेजी से पास पास लाएं, दूर ले जाएं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बहुत फास्ट करें, तो चार्ज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धीमे धीमे चेंज करो तब भी उतना चार्ज आएगा, फास्ट चेंज करो तब भी उतना चार्ज आएगा, लेकिन करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस देखें, इन्हीं पर बेस्ड है क्वेश्चन है। मेरे पास एक कॉइल है, ओपन कॉइल है ये, मेरे पास एक और कॉइल है वो भी ओपन है, ये वुडन कॉइल है, लकड़ी की कॉइल बनी हुई है, और ये जो है कॉपर की कॉइल बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक कॉइल क्लोज है, ये वाली भी कॉइल क्लोज है, ये बनी हुई है कॉपर की और ये बनी हुई है सिल्वर की, ठीक है। चारों में ध्यान दीजिएगा, ए बी सी बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग बताते हो कि नहीं। चारों में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बराबर है, ठीक है, चारों में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में बराबर है, मतलब डी फाई ओवर डी टी इक्वल है, चारों में रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इक्वल है। तो बताइए चारों में, सबसे पहला क्वेश्चन, किस में इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा? यस, बताओ आंसर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में ज्यादा होगा, बोलो, आपके कमेंट्स का वेट करता हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में सबसे ज्यादा होना चाहिए, बोलो। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में सबसे ज्यादा होना चाहिए, यस, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में सबसे ज्यादा होना चाहिए? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल है, डी फाई अपॉन डी टी सब में बराबर है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ किस बात पे डिपेंड करता है, केवल डी फाई ओवर डी टी पे ही डिपेंड करता है, इसमें और कोई फैक्टर आ नहीं रहा, तो इसका मतलब चारों में ही इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल होगा, सभी में इक्वल होगा, चाहे वुडन की कॉयल हो या कॉपर की हो, या कॉपर की हो या क्लोज हो या ओपन हो या सिल्वर की हो, क्योंकि आप इस फॉर्मूले में देख रहे हो कि ईएमएफ इस बात पे डिपेंड करता ही नहीं है कि कॉयल किस नेचर की है, किस मटेरियल की बनी हुई है, वो लकड़ी की बनी है या कॉपर की बनी है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता, यानी दोनों में ओपन है या क्लोज है इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इस बात पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कितना है, तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स तो दोनों में इक्वल है, इसलिए रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जब दोनों में इक्वल है तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड दोनों में इक्वल ही होगा, बात समझ आई। लेकिन करंट की अगर बात करेंगे तो पहली बात तो करंट ओपन सर्किट में फ्लो ही नहीं होता, तो इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इन दोनों में कोई करंट फ्लो होने वाली नहीं है, इसमें और इसमें, लेकिन करंट इन दोनों में तो फ्लो होगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, क्लोज है, बंद बना रहे, जब क्लोज सर्किट है और इसमें करंट बनेगी, क्लोज सर्किट में करंट बनती है कि नहीं बनती, बिल्कुल बनती है, तो किसमें ज्यादा करंट बनेगी, सिंपल बात है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना सेकंड वाले में कि करंट रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब जो करंट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, और रेजिस्टेंस चूंकि सिल्वर का
कम होता है, इसलिए उसमें करंट ज़्यादा होगी। बात क्लियर होगी? तो अगर करंट की बात करते हैं कि कॉपर और सिल्वर में किस में करंट ज़्यादा फ्लो होगी, तो ओब्वियसली सिल्वर में ही करंट इंड्यूस करंट ज़्यादा आएगी। ठीक है, चलो तो ये कहानी आपने समझ ली। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, वो मैं आपको सिखाता हूँ। लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन लेंज लॉ अप्लाई कैसे करना है वो सीखना जरूरी है। तो देखो, लेंज लॉ का स्टेटमेंट अगर देखें, लेंज लॉ किस काम आता है उसके बारे में सोचें, तो लेंज लॉ एक्चुअली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दो एंड के बीच में बनता है, तो उसमें कौन सा एंड पॉजिटिव होगा कौन सा एंड नेगेटिव होगा उसका साइन डिटरमाइन करने का एक ईजी तरीका है। तो लेंज लॉ गिव्स एन ईजी वे टू डिटरमाइन द साइन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, लेंज लॉ ये कहता है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव बनेगा, ये इसको बोलते हैं पोलैरिटी। तो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से होती है सच दैट कि इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करेंट विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इन इट। लेंज लॉ सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी का साइन डिसाइड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो साइन है कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव वो साइन है वो कुछ इस तरह से होता है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जब करंट बनती है, करंट बनेगी क्लोज सर्किट में, तो उस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी जो उस कॉज का अपोज कर सके जिस कॉज के कारण ये करंट या ये इंड्यूस्ड ईएमएफ खुद प्रोड्यूस हुआ है। तो किसके कारण करंट प्रोड्यूस हुई है, ईएमएफ के कारण। ईएमएफ किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। इसका मतलब अल्टीमेटली जो लेंज लॉ क्या बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है कि वो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के अपोजिट हो, यही लेंज लॉ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो ये है, लेकिन अब स्टेटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज ही रट लें, समझ लो। समझने में क्या, केवल दो लाइन है, दो लाइन ये है कि क्योंकि लिखने को तो आएगा नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए बस लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन पता करना, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट बनी है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगी ये पता करना। अब ये कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे सबसे पहले कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यानी फ्लक्स में चेंज होने की रेट बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर बढ़ रही है तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, कम हो रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। कैसे होगी कब होगी उसके लिए हम सीखते हैं। ठीक है, ओके, चलो। How to apply Lenz law? कैसे हम Lenz law apply करें questions में, उसको देखो, बहुत बहुत important point। कैसे apply कर सकते हैं, दो तीन आप point समझ लें। सबसे पहले think about main, ये लिखते चलो, मेन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आपको मेन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो फील्ड कैसी है। ठीक है, क्योंकि हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है लेंज लॉ में कि कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो उसके लिए जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है कि घट रही है ये तो पता होना चाहिए। तो बढ़ना घटना तो तब देखेंगे जब हमें पता चल जाए कि मेन मैग्नेटिक फील्ड है किस टाइप की, किस डायरेक्शन में है,
तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, थिंक अबाउट मेन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल भी लेते चलता हूं। मान लो यहां पर ऐसे देख लेते हैं, मेन मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्रॉस टाइप की है, ये क्रॉस है, ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, बल्ब बताओ। क्रॉस का मतलब होता है मेन मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस टाइप है वो किसी सरफेस के अंदर जा रही। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ध्यान आ रहा होगा कि क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उस प्लेन के अंदर जा रही होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रही होगी, उसको बोलते हैं क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड। तो थिंक अबाउट मेन मैग्नेटिक फील्ड, मेन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचना है। या तो ये क्रॉस टाइप होगी या कैसी होगी, ये डॉट टाइप। डॉट टाइप के लिए इस तरह से ये डॉट होंगे, ठीक है, ये डॉट बन रहे होंगे, ये डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ये सोचो कि ये जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये सोचना पड़ेगा। ये जो क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, दो ही कंडीशन है, या तो बी इंक्रीज हो सकती है या ये बी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। ऐसे ये जो डॉट थे ना, ये या तो इंक्रीज होंगे या ये डॉट डिक्रीज होंगे। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में सोचेंगे। अब देखो तीसरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी इसके अंदर मैंने एक कॉइल फंसा दी, इधर भी एक कॉइल फंसा दी, तो ये जो कॉइल है कॉइल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं और इधर कॉइल के बाहर निकल रही हैं। डॉट का मतलब बाहर निकलना। तो अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बढ़ रही है, तो मतलब ये जो क्रॉस है, नंबर ऑफ क्रॉस वो बढ़ रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ क्रॉस है वो बढ़ रहे होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रॉस ये डिक्रीज हो रहे होंगे। यहां पर इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की है, डॉट टाइप की है, तो बी बढ़ने का मतलब क्या है, डॉट बढ़ रहे होंगे, और बी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, डॉट डिक्रीज हो रहे होंगे, इससे एसोसिएटेड डॉट डिक्रीज हो रहे होंगे। अब देखो तीसरा, इफ ये जो क्रॉस हैं ये बढ़ रहे हैं, यहां से ही लेंज स्टार्ट हो जाते हैं, लेंज की एंट्री होती है यहां पर। अब लेंज क्या कहते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहे हैं और साथ साथ फैराडे भी आ जाते हैं, फैराडे ने तो ये कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है मतलब क्रॉस बढ़ रहे हैं, मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बन रहा है तो करंट बनेगी, क्लोज सर्किट है इसलिए। अब करंट बनेगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो लेंज बताते हैं। अब लेंज ये कहते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, बी बढ़ रही है, ठीक है, तो उस केस में अगर ये फील्ड बढ़ रही है तो बढ़ने का अपोज, क्रॉस बढ़ने का अपोज होगा डॉट से, क्रॉस बढ़ने का अपोज किससे होगा, डॉट से। और अगर क्रॉस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज होने का अपोज उसी क्रॉस से ही होता है। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसके अपोजिट में डॉट आएगा, अगर क्रॉस बढ़ रहे हैं तो उसका अपोजिट डॉट है, क्रॉस कम हो रहे हैं तो फिर कम होने का अपोज क्रॉस से ही होता है। तो इसके अंदर जितने सारे क्रॉस थे अगर वो बढ़ रहे हैं तो अपोज करने के लिए बीच में क्या लाना पड़ेगा, डॉट लाना पड़ेगा। और अगर ये क्रॉस खुद घट रहे होते तो घटने का अपोज करने के लिए क्रॉस लाना पड़ेगा, ये सिंपल बात है। चलिए अब ये हमने यहाँ पर डॉट ले आए। अब डॉट के लिए ये जो आपने कॉइल देखी थी, ये कॉइल है, ये वाली कॉइल, तो यहाँ पर इस कॉइल के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यानी क्रॉस बढ़ रहे हैं तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ और करंट बनेगी, और उस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी। डॉट के लिए सभी ने समझा है ना पिछले चैप्टर में, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये क्रॉस है, और अगर ये क्रॉस है तो
देखिए क्रॉस कम हो रहे हैं तो क्रॉस ही बनेगा, क्रॉस के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, क्लॉकवाइज, यानी इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज होगी, मतलब इस कॉइल के अंदर करंट कुछ ऐसी होगी कि सेंटर पे क्रॉस बने, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ ऐसी होगी कि डॉट बने। अब इधर आ जाओ आप लोग, इसमें बताना, डॉट बढ़ रहे हैं तो कॉइल के अंदर डॉट बढ़ रहे हैं, डॉट के बढ़ने का अपोज किससे होगा, क्रॉस से, क्रॉस के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज, क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज। ऐसे ही डॉट अगर कम हो रहे हैं तो कम होने का अपोज किससे होगा, डॉट से ही, डॉट कम हो रहे हैं तो डॉट ही बनेगा, और डॉट के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने आपको आज समझा दिया है, ये बेसिक स्टार्ट कर दिए आज, चूँकि क्लास मॉर्निंग में थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो गई थी नेट इश्यू के कारण, तो आज इतना आप कर लो, अगले टर्म से फिर सही समय पर अपन स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में, और इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसे करेंगे, और कल से शाम को 5 बजे क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, और क्रैश कोर्स बिल्कुल हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशंस यहीं से स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल एक चैप्टर एक दिन में ही ख़त्म होगा, उसमें अपन बिल्कुल चूँकि अब रिविजन प्रोग्राम है तो उसमें एक चैप्टर वन शॉट में ख़त्म करेंगे, और उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस फिर हम अगले दिन करेंगे, एक दिन में पूरा वन शॉट में पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और अगले दिन उसका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर बैक ईयर्स पेपर के क्वेश्चंस होंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, तो इतना कर लीजिए, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे।